हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ट्रैफिक दिखाने वाला हूं कि आजकल मनाली में कैसा ट्रैफिक लग रहा है वीकेंड की वजह से। तो बहुत सारे जो भी गाड़ियां हैं, कम से कम 6 से 8 हज़ार गाड़ियाँ तो नॉर्मल आज आई ही आई है अटल टनल की ओर। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए कितना सारा जो ट्रैफिक है लगा हुआ यहाँ पर। अभी मैं पहुँचा हूँ धुंधी में। अभी आज तो मैंने अटल टनल साइड वीडियो नहीं बनाया, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्रैफिक के बारे में आपको बता दूं वीकेंड में कैसा ट्रैफिक लगता है मनाली में। तो देख सकते हैं आप, एक नहीं दो नहीं तीन तीन लाइनें लगी हुई है। तो हम लोग चले हुए हैं पैदल, ये देखिए बिल्कुल डबल ट्रिपल लाइन लगी हुई है। और ये जाम इस वजह से लगा है, आगे यहाँ पर एक जगह पर जो स्टेप है वो काफी ज्यादा जो है खराब हो चुका है, इस वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। बाकी ट्रैफिक लगने का वैसे कोई रीज़न नहीं था, पर थोड़ा सा जो लैंडस्लाइड हुआ है उस वजह से ट्रैफिक लगा है। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें, आप रख लो 10-15 दिन के बाद जो आने वाले हैं उनके लिए बेस्ट है। अगर उससे पहले कोई आने वाला है तो उनके लिए उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगा। अगर देखिए आप फंसते हैं, देखिए ऐसा ट्रैफिक वीकेंड में ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बस ये है कि आप सैटरडे संडे को ना आए, उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। ये देखिए इतना खुला रोड है, तीन तीन चार चार लाइनें इन्होंने लगा के रखी है, तो इस वजह से बिल्कुल जाम हो चुका है, बहुत ज़्यादा जाम हो चुका है। ये देखिए अब यहाँ से जो आने वाली गाड़ी होगी वो कैसे आएगी, लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ। देखिए बहुत दुख की बात है कि लोग सुधरते नहीं है। ये देखिए तो ऐसा ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पर बहुत ज्यादा। ये देखिए यहाँ पर साइट सीन कर रहे हैं लोग, और ये आने वाले लोग बिल्कुल फंसे हुए हैं। तो आगे मैं वो भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पर थोड़ा सा स्टेप खराब है, इस वजह से जाम लग रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रास्ता चेंज करना पड़ेगा मेरे को, मेरे को खुद के लिए चलने के लिए जगह नहीं है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कितनी मुश्किल है यहाँ पर। ये जो जाम लगा हुआ ये है धुंधी में। बर्फ तो है पर जाम भी बहुत ज्यादा है। ये देखिए, अजी तो मैं अपनी गाड़ी पीछे छोड़ के आया हूँ अपने दोस्तों के पास, और मैं काफ़ी सारा आगे आया हूँ कि मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर ये थोड़ा सा स्टेप खराब है, जिस वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी जो भी दिक्कत है उसका सामना मनाली में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्नो की वजह से देखो थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड होता है, और आज सुना कि स्नो भी थोड़ा रोड में आया था, बोले तो ग्लेशियर आया था, तो उस वजह से भी थोड़ा ट्रैफिक लगा, इस वजह से भी गाड़ियां काफी सारी जो थी वो रुकी हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ जहां पर ग्लेशियर आया था, मैं वो भी आपको जगह दिखाऊंगा। फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको यहाँ वाली जो जगह है वो दिखा दूं। तो भाई इतना ज्यादा क्राउड पता नहीं कैसे और कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ नहीं है। अभी देखिए आप, टाइम मैं आपको बता दूं 4:30 बज रहे हैं, पर फिर भी टूरिस्ट ऊपर ही आ रहा है, नीचे कोई वापस जाने वाले तो समझ जाता, पर आने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो भाई बहुत अच्छी बात भी है एक्चुअली में, क्योंकि अब जो ये टाइम है ये सबसे बेस्ट टाइम होता है स्नो देखने के लिए, क्योंकि ना उतना ज़्यादा लाइव स्नोफॉल होता है, बहुत सारे जो होते हैं वो कम चांस रहते हैं स्नोफॉल के। तो इसमें आपको खेलने के लिए अपने बच्चों के साथ आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि बच्चे मतलब बर्फ़ से परेशान होते हैं, जब बारिश या बर्फ होता है उस वजह से परेशान होते हैं, अदरवाइज परेशानी की कोई भी बात नहीं होती है। बाकी भाई आप लाइन देख रहे हैं अभी भी चली रही है, मुझे तो लग रहा है आज हम 7 या 8 बजे तक घर पहुंचेंगे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा लेट हो जाए। जिस हिसाब से क्राउड है उस हिसाब से तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा और टाइम लगने वाला है। बस आपके अभी 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मैं लूँगा, उसके बाद मैं उस जगह पर पहुँच जाऊँगा जहाँ पर थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ था।
और जगह बिल्कुल वहाँ पर कम थी। बस अभी मैं जस्ट पहुँचने वाला हूँ, 2 मिनट ओनली लगेंगे मेरे को। हमारे पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं बेचारे। इनका भी एक्चुअली में जो टूरिस्ट होते हैं ना और ये ड्राइवर होते हैं तो इनकी बात नहीं सुनते, तो भाई आप लोग इनकी बात सुना करो यार, ये आपके अच्छे के लिए ही बोलते होंगे, तो ज़्यादा परेशान ना करें, जो बोलते हैं वो प्यार से सुन लिया करें। और यही वो जगह जहाँ पर वन वे हो गया है, इसके कारण यहाँ देखिए ये जो थोड़ा थोड़ा है वो गिर रहा है ऊपर से, इस वजह से यहाँ पर सिंगल वे हो गया है। तो यहीं पर जो है ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगने के चांस है। तो इन्होंने एक अच्छा जो तरीका है वो ये अपनाया है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ से छोड़ेंगे गाड़ी, थोड़ी देर के लिए यहाँ से। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि आप परेशान नहीं होते, जैसे आप थोड़ा ट्रैफिक चलता रहेगा तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होते। हाँ, अगर फिर आपको आधा एक घंटा रुकना पड़े तो इस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। ये देखिए, नाइस नाइस नाइस, चलते रहिए। बहुत ही अच्छे। तो देखिए जो खुशी होती है ना सबके फेस पर, बहुत अच्छा लगता है देखिए, क्योंकि स्नो में जाने वाले जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये स्नो एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे से बच्चा बूढ़े से बूढ़ा यहाँ पर आना चाहता है स्नो में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता भाई इन सबको देख के। अगर ये नहीं है तो हम भी नहीं है, ये है तो सब है यहाँ पर। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर भी पत्थर पुत्र गिरते रहे, तो ज़्यादा रुकने का यहाँ पर ना सोचें, अपनी गाड़ी में रहिए और निकलते रहिए फटाफट। अब जो मुझे आपको दिखाने को रह गया वो है ग्लेशियर, जहाँ पर ग्लेशियर आया था वो आपको जगह मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी उसके बाद इस वीडियो को एंड करूंगा।